आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने कहा कि मनरेगा के कार्यों की समीक्षा कराई जाए, नए बनाए गए जॉब कार्ड की मॉनिटरिंग की जाए तथा शासन द्वारा मनरेगा के लिए जारी किए गए धनराशि की भी समीक्षा की जाए जिससे गलत कार्यों में इसका उपयोग ना हो सके। ये वाला मोटर वाला एजेंडा में था, उसकी तैयारी क्या फिफ्टीन टू की आपकी आप होगी सर? फिफ्टीन टू तैयारी है सर, और मार्कर लगातार पढ़ते जा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, तो ये आगे का अच्छा चला है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र है, यदि आप लोगों को ये हमें फीडबैक देनी हो कि आपका कोई विभाग कोई सस्ता काम नहीं कर रही, जैसे RDS गांधी का काम या प्रधान गांधी का काम, और आपको कोई अल्टरनेटिव सोच चाहिए व्यवस्था, तो वी वांट टू मिसिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट की भाई ये वाली सस्ता काम नहीं कर रही, अच्छे नहीं बना रहे, ये लोग टाइम से नहीं बना रहे, ये रुचि नहीं दिखा रहे, तो दैट वी चेंज दैट। हम लोग उसे कोर्स चेंज कर रहे हैं, ये होगा काइंडली हमें अपडेट कर दीजिएगा उसमें सर। सर वर्ष 1920 के 1920 का लक्ष्य है जिको में गया हुआ है, जिसमें से 1711 आरंभ है। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे प्रायोरिटी में है, काइंडली सारे CDO जिसको भी उसमें रखें, ये थर्ड प्रायोरिटी आपके पास आ गई है। और ये मॉनसून में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण जारी रहेंगे, ये जो बरसात आ रही है, तो प्रत्येक दशा में इनको 15 अगस्त से पहले पूर्ण कराने का लक्ष्य रख लें, अन्यथा CDOs को जो खराब परफॉर्मिंग CDO है उनकी यहाँ पर मीटिंग कराई जाएगी, जो सबसे खराब परफॉर्मिंग 15 CDOs हैं, हम सबको नहीं बुलाएंगे। आप कोरोना में यहाँ पे आके अपनी प्रेजेंटेशन या फिर आप मंत्री जी के सामने माननीय मंत्री जी के सामने बैठ के अपनी बात कहिएगा, साहब ये पोजीशन है भाई, तो वो ये वाली चीज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है कि आप खराब ही रहे पूरे साल। जैसे हम लोग इधर से लेटर भी जारी करेंगे कि ये वाले काम चलाए जा सकते हैं, सबके क्षेत्र स्पेसिफिक वर्क होते हैं, बेसिकली आपकी लेबर प्रॉफिट वो डिक्लाइन नहीं करनी चाहिए, टारगेट ये है कि लेबर ना डिक्लाइन करे, यदि लेबर डिमांड में है, लेबर कहीं नहीं गई है, कहीं अभी माइग्रेट नहीं हुई है, तो वो काम कर सके। सूचना कितने जनपदों में नदियों की विलुप्त नदियों के रीजोनेशन का कार्य चल रहा है और वो किस तरह का कार्य उसमें करा रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, कितने बैंडेज क्रिएट होने वाले हैं, इसको इसका फॉर्मेट हम लोग डाल देंगे, वो करूंगा CDO मार्बन की ये वो प्रेजेंट करेगी। उसके बाद कितने जनपदों में क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रही है, यह सूचना वर्ष 1920 और वर्ष 21-22 के लिए, सॉरी वर्ष 1920 और वर्ष 2021 के लिए हमें चाहिए होगा, इसका भी फॉर्मेट हम आपको डाल देंगे, ये दो फॉर्मेट में हमें सूचना कल शाम तक चाहिए होगी, ठीक है, प्रेजेंटेशन लगाया जाए। ओके, मैं आपको चूंकि मनरेगा का काम बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं और लेबर ज्यादा लगी हुई है, तो उसमें अनियमितता होने के भी भारी चांसेस रहते हैं, किन्हीं जनपदों में मनरेगा का पैसा निकालने का प्रयास किया गया? ये 18,000 मनरेगा का पैसा निकालने की होती है, उसमें हम लोग जानते हैं CDO की कोई गलती नहीं होती, तो CDO को डरने की जरूरत नहीं है, DC की भी कोई गलती नहीं होती, तो DC को भी डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें ठंडे दिमाग से काम लेना है, पर अलग ये चीज स्पष्ट रहे, यदि किसी चीज कहीं पर भी गड़बड़ी हो रही, कहीं JCB आ गई, कहीं पे कोई ट्रैक्टर आ गया, उसमें ऐसा नहीं कि कोई आपका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, परंतु आपको SOP पता होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, तो कुछ ठीक ठाक चीजें जैसे फतेहपुर ने JCB के बारे में FIR वगैरह करा दी, PPF उसमें लगा दिया इत्यादि इत्यादि, तो फतेहपुर ने बढ़िया उसमें काम कराया, फतेहपुर ने DC हमने अच्छी खासी रिपोर्ट भेजी, CDO ने बढ़िया काम कराया वहां पे। अभी लेटेस्ट 12 में हुआ ये वाली घटना, JCB आ गई, JCB आना इज नॉट समथिंग प्रोविडेंट, कहीं भी JCB जा सकती है, उसके वो फ्री है वो लोग, परंतु हमारी साइट पे किन्हीं कारणों से आएगी बिना बात के नहीं आएगी, यदि आएगी तो देन वी विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट JCB वाला, ठीक है, तो उसके जो बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, लीगल स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, वो CDO बाराबंकी ने तैयार किए हैं, मैं प्रेजेंटेशन आप लगा दें प्लीज, मैं CDO बाराबंकी को इनवाइट करूंगा कि वो अपने इनिशियल उसके साथ कमेंट्स के साथ जो है ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। हाँ मेरा प्लीज यू कैन स्टार्ट।
नमस्कार सर, सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर, निरंतर आपकी गाइडेंस हमारे जिले को मिलती रहती है सर, और रेगुलर हम लोग आपसे बात। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड 3 पे आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो धाराएं हैं जिसके अंदर हम लोग FIR भी कर सकते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं, वापस चल जाइए सर पिछले वाले स्लाइड पर। सबसे पहले है मनरेगा एक्ट, we are having setup codes on the screen, who now is also visible. Say something, anything, कुछ इससे learning हुई आप होगी, क्योंकि अभी मुझे उस पे जाना है कि आप यदि कुछ पैसा निकालने का मनरेगा का, उसको कैसे वापस दिया जाएगा। अभी लास्ट तक सीडियो के उस पे पिपड़ी देंगे। हाँ, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए। सर हमारा टारगेट है 15 के लिए। आज सर हमारी डिमांड सर हमने सभी वीडियोस पर लगाया सर, कल जो देखने लगेगा सर परसों में, और भी सर हमारा उम्मीद है सर कि टारगेट जितना ही सर जो शो होने लगेगा सर। इसके अलावा सर यहाँ पे भी एक दो सर ऐसे प्रकरण सामने आए हैं सर जिसने जो कार्य ना कराए हुए सर उसमें भुगतान का ऐसे मामले सामने आए हैं सर। कुछ लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि जॉब कार्ड्स ग्राम प्रधान के पास है, मुझे इसका ट्रैक चाहिए, कोई एक सीडीओ या कोई डीसी से प्रेजेंट करेगा कि जॉब कार्ड प्रधान के पास है तो उसमें क्या लीगल स्टेप्स लिए जाएंगे, उसको कैसे इंक्वायर किया जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ मामलों आता है कि आपके मीटिंग का पैसा इन खास फर्मों ने निकाल लिया जबकि सामान डिलीवर नहीं हुआ, जबकि मौके पर कुछ नहीं है, उसमें क्या एसओपी लगेगी। फिर कुछ लोग कहता है कि मौके पर लेबर नहीं है, लेबर 50% है, पेमेंट जो है वो 100% लोगों का हो रहा है, दोगुने लोगों का हो रहा है, ठीक है, तो उसका एग्जामिनेशन की सोशल ऑडिट के माध्यम से, अपनी टीमों के माध्यम से, उसके लीगल जो साइड है वो लीगल साइड हमें ट्रैक करनी है। मौके पे जेसीबी आई, उसने उसको जगह को फुड़फुड़ किया, उसको खोदा और चली गई। दिस इज नॉट ए नॉर्मल इवेंट, जेसीबी एक बड़ी मशीन होती है, वो कोई छोटी छोटी कार नहीं होती है, जरा सी मार्क 800 की पता नहीं चले आई और चली गई रात में। तो जेसीबी इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है जब ये काम बुंदेलखंड में होता है। तो बुंदेलखंड